अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो बहुत से दुनिया में कंट्री हैं, ममालिक हैं जो कि अपना पासपोर्ट देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेज़ प्रोसीज के साथ आपको पासपोर्ट देते हैं। और कुछ कंट्री ऐसे भी इस दुनिया में है जो आपको पासपोर्ट देते ही नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऑलमोस्ट 160 से ज़्यादा ममालकों में आप बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। बग़ैर वीज़ा के 160 ममालकों में आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका जो पासपोर्ट है वो बहुत ही तेज़ तरीन पासपोर्ट है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल के अंदर अंदर आप इस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बआसानी ले सकेंगे। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नो मैटर, आप इस कंट्री जाएं, लीगल प्रोसीज को फॉलो करते हुए, टोटली टैक्स पेइंग करते हुए, बग़ैर किसी भी क्राइम रिकॉर्ड के आप रहेंगे 2 से 2.5 साल, इंशाल्लाह आपको जो पासपोर्ट है वो मिल जाएगा। और ये पासपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, कोई आम पासपोर्ट नहीं। इसके ऊपर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जितने भी अफ्रीका के ममालिक हैं, आधे से ज़्यादा यूरोप में आप इसके कार्ड के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आपने पहले भी इस चैनल के ऊपर इस कंट्री के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उस वक्त इस पासपोर्ट की जो रैंकिंग थी वो 130 थी। लाइक 130 ममालकों में आप ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब जो न्यू रैंकिंग इशू हुई है 17 अगस्त को, जो कि मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो न्यू रैंकिंग इशू हुई है उसने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को हैरान किया है, क्योंकि 5 न्यू कंट्री ऐड किए गए हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा की ऑफ़र करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल टीच वीज़ा के ऊपर जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। बात करते हैं उस कंट्री की। ये कंट्री यूरोप का मुल्क है, शेंजन स्टेट है। इस कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम का जो पासपोर्ट है वो आप 2 से 3 साल में इजीली हासिल कर सकते हैं। आप विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लेके आप बेल्जियम पहुंचते हैं बग़ैर क्राइम रिकॉर्ड के, टोटल टैक्स पेइंग किए हुए, लीगल प्रोसीज को फॉलो करते हुए, लीगल स्टेटस के साथ आप 4 साल से उस कंट्री में रहते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ 4 साल, मैक्सिमम 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 साल के अंदर आप इस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बआसानी ले सकेंगे और 160 ममालकों में बग़ैर वीज़ा के जा सकेंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।